समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के चिन्हकार एवं आकलन शिविर का आयोजन दुर्ग के साक्षरता भवन में किया गया, जिसमें 61 स्कूली बच्चों की जांच की गई। वीओ विकास खंड स्रोत केंद्र दुर्ग ग्रामीण द्वारा आयोजित विकास खंड स्तरीय कक्षा पहली से बारहवीं तक के विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शारीरिक रूप से दिव्यांगों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से बुधवार को दुर्ग साक्षरता भवन में स्कूली बच्चों को चिन्हांकन एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चे को लेकर शिविर स्थल पर पहुंचे। इसी कड़ी में आज हुए शिविर आयोजन में ब्लॉक स्तर से लगभग 61 स्कूली बच्चे अपने परिजनों के साथ पहुंचे, अपनी जांच कराई, जिसमें दिव्यांगता का परीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया गया और इनका जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र बनेगा और बीएलओ के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। इस संबंध में शिविर प्रभारी ने अपनी जानकारी दी। दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी बच्चे स्कूली पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों का विशेष शिविर है, जिसमें ऐसे बच्चे अस्थि बाधित है, श्रवण बाधित है, बौद्धिक है, आँख कान नाक गला से संबंधित का बच्चों का चिन्हांकन करके कितने परसेंटेज में प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यहाँ पर चिन्हांकन किया जाएगा, फिर उनका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उनका एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है समग्र शिक्षा के द्वारा और समाज कल्याण विभाग से मिल करके सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें दुर्ग ग्रामीण के लगभग अभी तक पंजीयन 61 बच्चों का हुआ है, जिनका जांच किया जा रहा है। ये जो है यहाँ केवल हम चिन्हांकन और आकलन करके ये डॉक्टर लोग वो ये करेंगे और वो जिला अस्पताल से उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हाँ, जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। ग्रैंड नेशन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।